लैपटॉप को पेन ड्राइव से बूट करने के लिए सबसे पहले पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। यूएसबी पोर्ट में लगाने के बाद पावर बटन ऑन करेंगे। पावर बटन के ऑन होने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे। एस्केप की जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा F1 फॉर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, F2 फॉर सिस्टम डायग्नोस्टिक, F9 फॉर बूट डिवाइस ऑप्शन, F10 फॉर बूट सेटअप। तो आपको इसमें डिवाइस सेट अपनी चेक करनी है, तो F9 इसमें आप प्रेस करेंगे और आपकी डिवाइस ये देखिए आ गया है। सैन डिस्क, ये इसकी हार्ड डिस्क है लैपटॉप की, ये डीवीडी राइटर के लिए दिया हुआ है और ये नेटवर्क अडेप्टर से। तो हमें इसे पेन ड्राइव से बूट करना है तो इस पर लगाकर एंटर कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो विंडो है वो बूट हो गई है पेन ड्राइव से। अब आगे इसे आप जैसे जैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है देख करके आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और आपके लैपटॉप में आसानी से आप न्यू विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।